नमः शिवाय। कुमार कैसे जलाए कड़ा शुद्ध हो गया,
तो हमारा गड़ा अभी शुद्ध हुआ नहीं। ये नौ द्वार को शुद्ध करने के हम क्या करना चाहिए, जलना चाहिए क्या, आगे चलना क्या, सिगड़ी में चलना कैसे चलना, हमारा ये तब किसी कहते उपवास कैसे, पानी बंद करती, पानी अन्न बंद करती, शरीर सूखने शुरू करती, इसी प्रकार ये घड़ा को सूखे सूखे कब सूखेंगे, तो नारे प्रकार नारे पानी खत्म हो जाते अंदर से, वो बाद में उन्होंने बोला अलग होने शुरू करती और चलता अलग हो जाती। इसी प्रकार ये द्वारा नौ द्वार को फेर रहे हमको, मजिर फेर है, गंगा फेर है, इसको जलना है जरूर है। इसी प्रकार हमारा पूजा विधान जप ध्यान, इसलिए ओ बोले भगवान आप लोग देखिए एक साल तक खड़ा होकर के उन्होंने तपस्या किया, तो हमारा भी एक दिन आज काल भी उपवास करना हो तो वही एक साल को पुण्य आज काल भी मिल रहे नहीं महाराज जी, पुण्य मिल रहे क्या, परंतु हमारा क्या जीवित रहेंगे क्या वही क्या आप लोग सोच, कभी एक दिन उपवास करना, दो दिन उपवास करना, पांच दिन उपवास करना, मर जाना हो तो पांच पांच दिन, दस दस दिन, महीना महीना, आज काल पंचम काल में धीरे धीरे उपवास है, धीरे धीरे उपवास रहती हम मानव हो गए कि कब बैठेंगे कैसे बन जाती, ऐसे नहीं हम जय संस्कार ऐसा सिद्धांत नहीं बनाते। इसी प्रकार हमारा ये शरीर नव द्वार को ये पूरा सूखना, तो आप लोग का इसको आप लोग घी निकल सकती है, ये आप निकल सकती है, बर्तन कैसे गर्म होएंगे, बर्तन गर्म होने के बाद में आप लोग का दूध गर्म होएंगे, तब तक बर्तन दूध गर्म होती नहीं, तब तक दूध गर्म होती नहीं, दूध गर्म होने के बाद में मलाई आएंगे, मलाई से आपको घी बनाने के मक्खन आएंगे, खाते कर्म नष्ट हो जाती, वो मक्खन आ जाती, फिर उनकी गर्म करना, तो फिर उन्होंने छाना, तो खाते कर्म नष्ट हो गया, तो घी बन गया, घी बनने के बाद में दूध में डालने के बाद में और घी दूधा दोनों नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये जैन साधु ऐसे शरीर सूखी सूखी करके 15 दिन एक दिन 10 दिन उपवास करते करते इसी शरीर को पूरा उनके सूखने के शुरू करते, आत्म को अलग करते और इस शरीर को अलग करते, कैसे बोला अपना अपना निकल जाते, कई कई आदमी कहते सहायक हो तो ये समाधि करेंगे, और कितना नारी से आप लोग का गोला निकलना हो तो निकल सकते क्या, गिरदा गोले कभी निकल सकते नहीं, सराय को कभी समाधि नहीं हो सकते, ये साधु साधन करने के अपना त्याग करके बाहर आ जाते, जंगल में बैठते उनको शरीर को सूखने शुरू करते। इसी प्रकार हमारा जीवन सिद्ध बनना थे, सिद्ध बनना हो जाते आप लोग का, इस प्रकार शरीर को सूखना, शरीर सूखने के बाद में अपना रोग भी नष्ट हो जाती, समझे, ये शरीर में रोग पहले का नहीं, शरीर आ रहे कैसे खा रहे कैसे पी रहे, तो शरीर में रोग आते जा रहे, इसलिए कैसे खाना खाएंगे वैसे मन होएंगे, कैसे पानी पिएंगे वैसे वाणी होएंगे। आज काल को पंचम काल को नाम रखने वाला ये थोड़ा सा दोष है, ये दोषी को दोष कहने वाला महादोषी हो जाते, हमारा सिद्धांत ऐसे बता रहे। इस प्रकार सन्नी शिखर जी विधान पांच दिन हो गया, पांच दिन शुरू है, तो क्या क्या याद किया, पुस्तक पांच दिन अपना पास है, तो क्या क्या याद किया बताओ आप लोग का, कौन से दिशा में चढ़ते आप लोग को ऊपर, तो दक्षिण मुख करके ऊपर चढ़ते और पश्चिम में मुड़ेंगे, पूर्व मुड़ेंगे ऊपर चढ़ रहे आप लोग का दक्षिण मुख करके, इसी प्रकार चढ़ते चढ़ते चोपड़ा कुंड में आप लोग जाते, पार्श्वनाथ भगवान को कौन से दिशा में आप लोग भीड़ जानते नहीं, तो इसी प्रकार जानते
इसी प्रकार हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ध्यान करना, इसे हम ऊपर चढ़ने के साथ पहले आपको चोपड़ा कुंड में पार्श्व भवन मिलेगा, तो भरता भवन दोनों बाजू मिलेगा, इसे ऊपर चढ़ेंगे घनदर टोक का, घनदर टोक मिलेगा कौन से दिशा में, ये भी जानते हैं आप लोग का किताब में है तो पढ़ना मालूम हो जाते, पढ़ना है तो मालूम कैसे होएंगे, एक पूर्व दिशा में है मृगी रंग चरणों को सफेद है, तो घुंतु सा घुंतु नाग है उत्तरनाथ भगवान को ठोक कहेंगे, तो इसलिए नमीनाथ टोक कहेंगे, नमीनाथ टोक को काला रंग है, काला रंग एक खरड़ को उपास को फल मिलेगा उनकी, एक वंदना करने के बाद कल आप सुना है पंडित एक हजार पल रहे, एक हजार है एक करोड़ नीचे नहीं है, एक करोड़ का उपासना है आए अरनाथ भगवान का छाना खरोड़ा लास्ट पेज देख करके आप लोग का लास्ट पेज में सभी मिलते है, उसका खोला है क्या नहीं खोला, छाना खरोड़ा उपास को फल मिलेगा अरनाथ भगवान को चारण करोड़ा, और दक्षिण होगा उनके चरण है और काला रंग है, अरनाथ भगवान से मल्लीनाथ भगवान में जाएंगे, मल्लीनाथ भगवान को एक वंदना करने के एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा, काला रंग दक्षिण होगा श्री नाथ भगवान को एक करोड़ को उपास को मिलेगा, और उनकी काला रंग दक्षिण होगा पुष्प भगवान को ऊपर चढ़ेंगे आप लोग का, पुष्प भगवान को कौन से दिशा है पूर्व दिशा सफेद रंग का, आप लोग याद करने की बता रहे हैं, आप लोग किताब इसकी दी है आप लोग का, हमारे याद से बता रहे हैं, आप गलत बोल रहे क्या बोल रहे आप समझे आना, तो इसी प्रकार नीचे पुष्प भगवान को जाने के बाद पद्म भगवान, पद्म भगवान को दक्षिणा होगा काला रंग का एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा, मुनिषद भगवान नीचे मुनिषद भगवान को दक्षिणा होगा काला रंग का एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा, वहां से चंद्रपुर भगवान जाएंगे चंद्रपुर भगवान को 16 लाख का उपास को फल मिलेगा, वहां सफेद रंग पूर्व दिशा उनकी चरणा, इसी से वहां आप लोग चले उल्टा चलेंगे अजनाथ भगवान को चलेंगे, अजनाथ भगवान को टोंग का दक्षिण होगा सफेद रंग, इसी प्रकार वाली जगह में आप लोग का दर्शन करते करते दक्षिण से आप लोग का पश्चिम को चलेंगे, पश्चिम को चला करके शीतलनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान को एक करोड़ को पशु बल मिलेगा पूर्व दिशा उनके चरण है, उससे ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के अनंतनाथ भगवान को वो चरण दक्षिण भाग है काला रंग है एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा, इस प्रकार उतर के नीचे आएंगे शंभुनाथ भगवान 42 लाख उपास को फल मिलेगा, 42 लाख का पूर्व दिशा सफेद रंग का शंभुनाथ भगवान को, वहां से निकलेंगे कहाँ वासुपुर जी भगवान, पांच कल्याण कहाँ हो गया वासुपचन, वासुपुर भगवान क्यों कल्याण हो गया, पांच कल्याण क्यों होगा, पांच कल्याण क्यों बनाया जाएगा, पांच जगह में पांच कल्याण एक ही जगह में होगा, इसलिए पांच चरणों के जगह में चलना किया, इसी में पांच जगह में अभिनंदन भगवान लास्ट में एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा और काला रंग पूर्व दिशा उनकी चलना, इसी से वापस कहा जाएंगे चोपड़ा कुंड का आना, तो आप लोग जब तरह मंदिर से ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतर करके कहा उतरेंगे जल मंदिर, जल मंदिर से ऊपर चढ़ कर घंटा टोक पहुंचेंगे धर्मनाथ भगवान, वही काला रंग एक करोड़ को उपास को फल मिलेगा उनके दक्षिण हो गए, और सुमतिनाथ भगवान एक करोड़ 32 लाख उपास को मिलेगा उनके, और दक्षिण हो गए और काला रंग है उनको, उसी से ऊपर चढ़ेंगे
हिमकान भगवान पूरे दिशा रह गए और एक थोड़ का उपस्थ फल मिलेगा काला रंग गए। तो सुपार्श्वनाथ भगवान को लास्ट में सुपार्श्वनाथ भगवान 32 करोड़ उपस्थ फल मिलेगा, लास्ट में 32 करोड़ उपस्थ फल मिलेगा पूर्व दिशा और काला रंग। इस प्रकार वापस करके आप लोग का अजितनाथ भगवान को दर्शन करेंगे। अजितनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान को सफेद रंग है पूर्व दिशा, तो 32 करोड़ उपस को उनके फल मिलेगा। एक काला रंग है लिख का है, गलत लिख का है, वो सफेद रंग है। तो इस प्रकार गलत उनको प्रिंट गलत हो गए, तो सफेद रंग है पूर्व दिशा है 32 करोड़ का उपस को फल है। तो नेमिनाथ भगवान गिरनार में आगे मोक्ष ले गए, वो बाहर से गया, कोई उपास को फल इसमें नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार उत्तर दिशा में गिरनारा गे उनको नेमिनाथ भगवान को चढ़ना उत्तर दिशा में सफेद रंग है चरना कितना बनाए, तीन चरण बनाए, तीन चरण क्यों बनाए, एक एक जगह में तीन कर जाना उनकी हुआ, इसको तीन चरण बनाए। और पार्श्वनाथ भगवान को आप लोग ऊपर जा रहे तो दो टोक क्यों किया, दो चरण क्यों किया, क्यों किया, दो कल्याण होती क्या, एक ऊपर है एक नीचे है, नीचे जगह में भगवान वहां जगह में खड़ा हो करके उनके शरीर छोड़ा है, वही जगह में मोक्ष में गए, वही जगह में चरण स्थापना किया, ऊपर मंदिर बनाए वही जगह में चरण स्थापना किया। इस प्रकार हमारा पूरा का 12 व्यंजन वहां जाना 12 व्यंजन है आप बंद कर सकते हैं, हम आप बंद करेंगे अपना बंद कर सकते हैं, 12 व्यंजन है उनके आप टाइम देखते हमारा क्या बिना पैसे से गाड़ी चलती है हमारा तेल लगती नहीं। 12 व्यंजन ज्यादा एक चित्रकूट है समय शिखर जी में, वो समय शिखर जी में आप लोग सोचेंगे समूचन जीव पत्नी जीव है उसको भव्य है क्या भव्य बताओ, दिमाग में चश्मा बदल करके आंख से देखना। 12 व्यंजन में समूच जीव आए वहां जगह में अन्य अन्य जाति अन्य अन्य कुल वहां जगह में खड़ा रहते वो भव्य क्या भव्य, अब रात दिन पढ़ेंगे फिर उनको नाटक देखेंगे रामायण सीता को, सीता को राम क्या होगा, राम को सीता क्या होगा पूछ रहे मारे जाते। आप भव्य जीव शिखर जी जाएंगे नहीं दर्शन होएंगे नहीं, समूचन जीव भव्य जीव हो जाते वही भी मोक्ष जीव आए। तो 12 व्यंजन चित्रकूट ने वहां जगह में शिखर जी बनाए हुआ तो वहां जगह में 10 लाख यंत्र देव रहे थे, 10 लाख यंत्र देव रहे थे, प्रचंड लेकर विद्यादार देव रहे थे उनके हाथ में रहते आदमी ये 10 लाख यंत्र देवा। तो आप भक्ति को देख करके अपना अपना भगा दे, गिरिराज में आयु बंद हो गया तो उनके भगाते, तो नरक में आयु बंद हो गया तो भगाना शुरू करते, इस प्रकार उनके वहां जगह में आप लोग सोचेंगे यंत्र देव को हम लोग दर्शन करेंगे क्या, यंत्र देव पहले आपको शरण करना पड़ेगा तब दरवाजे खोलेंगे वो आगे, दरवाजे नहीं खोल सकते वाचना पासा आओ आपको शरण पहले पढ़ना, वाचना को शरण करने के बाद दरवाजे खोले होंगे भगवान तब बाद में मिलेगा। ये ध्यान रखना आप लोग का, ये हटाओ ये हटाओ ये दिमाग से निकालो आप लोग का, चश्मा बदल करके रखो आप लोग का सही होएंगे आपका दिमाग आप लोग का, कैसे बोलो कि नीचे जाते नीचे जागा फिर यवार में आ जाते, फिर यवार को हम लोग का नीचे में आए, नीचे में आने वाला उसको
अब उल्टा सीधा बोलना हो तो ये वापस ही वहां जाना पड़ेगा, वैसे जाने जाना पड़ेगा, वाचमन बना पड़ेगा, देव देव बना पड़ेगा, ईसा बना पड़ेगा, इसी जगह में हम लोग जन्म लेना पड़ेगा। एक प्रकार हमारा काम है सिद्धार्थ नहीं हो जाते, हमारा व्यवहार और नीचे इस प्रकार हम लोग चलना, तो यक्ष वही भी जीव भवि जीव है, यक्ष के हाथ में भवा भवा में वही भी मोक्ष में जाने वाला है। स्त्री मोक्ष जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हेलो भव्य जीव रहते है, स्त्री लिंग नष्ट करते, समझे? सीता जीवा अपना तप करके एक श्रेणी में बैठ करके 62 साल तक वहां तप किया जंगल में, तो वही भाव में उनके पत्मा एक इंद्र बनाए, उनको पति इंद्र का जीवा सीता जीवा उन्होंने श्री लिंग को नष्ट किया। तो आगे चौथा काल में आएंगे रावण जी, वहां दोनों बच्चे होएंगे, तो दोनों बच्चे होने के बाद उनको अवधि ध्यान में रहती हूँ, अवधि ध्यान से देखने के बाद वो बच्चे लक्ष्मण और राम को जीवाए, तो हम लड़ाई करके हमारा हरण किया ये समझ में आ करके उनके वैराग्य हो जाते राजा को, तो राजा सकल चक्रवाल राजा को दीक्षा ले करके अपना चले जाते। ये दोनों बच्चे कहते पिता चले गए हमारा क्या काम है, वही भी दोनों निकल जाते। रावण जीवा भक्तखंड में तीर्थंकर होएंगे, वो तीर्थंकर होने के बाद समुद्र में सीता जीवा धनधर बनेंगे, पत्तम धनधर बनेंगे, तो लक्ष्मण जीवा खाती खंड में तीर्थंकर होएंगे। इस प्रकार वर्णन कभी झूठ होते नहीं। स्त्री आप लोग का क्या कम है क्या पुरुष ज्यादा है ये मत जानो आप लोग का। हरे समूर्च जीवा यक्ष पद्मावती हर धर्मेंद्र, ये आप लोग का कैसे हमारा वाचमन को दरवाजे में रख के वाचमन को हमारा संभालना के रख के इसी प्रकार ये हमारे यक्ष होते, ये दरवाजे में हमको धर्म को रक्षा करने के होते, ये जीव भी आज नहीं कल नहीं मोक्ष में जाती। इसी प्रकार हमारा शंका दूर करना, तो हम लोग का इसे बताते बताते जाएंगे आप लोग का, इस शंका दूर करके काम करना। एक सल्य लग जाती है, सल्य कहते पाओ में काटा घुस गया तो काटा निकलते नहीं, तो वही को कहते सल्य। हमारा शंका रख करके पूजा कर रहे हैं, हमारा जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अवशेष कर रहे हैं, वही सल्य बैठ गया तो ये जीवन को कल्याण कभी नहीं हो सकते। हमारा कल्याण करने के हमारा सिद्धांत कैसे बताते, वैसी प्रकार हमारा करना चाहिए। इस प्रकार आप लोग का ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी प्रवचन दे सकते, और आप लोग का गड़बड़ करना होता है 2 मिनट भी दे सकते। क्या चीज है शास्त्र आगे को हम बताएंगे, शास्त्र प्रकार चलेंगे। हमारा पतन तीर्थंकर क्या उनके रास्ता निकल कर रहते उसी प्रकार हम लोग बताते जाएंगे, हम किसी से इसको छोड़ेंगे नहीं। चौथा काल में भी वही हो गया, उसी प्रकार पंचम काल में भी वही उनके वाणी है। हमारा एक शंका ये है, बाप को आप लोग मान रहे हम लोग को मान रहे, तो बाप को बात को नहीं मान रहे, कई आदमी मानते कई आदमी छोड़ते। बाप को मानना हो तो बाप को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे और बाप रहे सही है, भगवान आदना भगवान कह रहे हो तो उनकी बात को मानते नहीं तो कैसे हो। ये नियम भी है, हमारे बाप को मानना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं भवा भवा में वही जगह में आना पड़ेगा। चावल के ऊपर से छिलका निकलेंगे तो भोने के बाद में हमको चावल को अंकुर कभी उगड़ेंगे नहीं, ये ऊपर चावल धान रहेंगे छिलका रहेंगे तो अंकुर उठेंगे। इस प्रकार ये लंगे में आना पड़ेगा, लंगे होना पड़ेगा, तो बाद में ये जन्मा
मरना नष्ट हो जाती। इसी प्रकार आप लोग का प्रत्येक उदर में दे रहे, प्रत्येक उदर में दे रहे तो कैसे कोला निकलेंगे, नारियल पानी सूखना चाहिए, गर्म करना चाहिए, दूध से उनको घी निकलना चाहिए। इसी प्रकार हमारा हाथ में भी किचड़ में बैठे, किचड़ को सूखी करना चाहिए, सूखने के बाद में हमारा हाथ में उनके निकल सकते। इस प्रकार आप लोग का ये प्रवचन ज्यादा हुआ कम हो आप जानो, वासी हो तो पंडित जी बाबा बोल रहे आप ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करना थोड़ी माइक में गए हम थोड़ी नहीं नाश्ता करो ना पंडित जी योग। इसी प्रकार आप लोग का वासी वासी वाले आज का भाई भाई एक थाली में नहीं खाना खा रहे तो आप लोग का एक थाली बना करके खाना खा रहे ये हमको बहुत आनंद हो गया है। इस प्रकार करते करते न जाना ये आप लोग हमेश रखना, इस प्रकार आप लोग कल्याण हो सकते हैं। इसको आप आशीर्वाद देंगे, बोलो महावीर भगवान की जय।